नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। पेड़े छोटों से लेके बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं और हम अलग अलग प्रकार के कई पेड़े बनाते हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर वाला चेरी पेड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। चेरी पेड़े जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही स्वाद में लाजवाब है। तो चलिए चेरी पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए मैंने कैवी बॉटम पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1.5 कप मावा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे मावा को कद्दूकस कर लिया है। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1.5 कप मावा लिया है। 4 टेबलस्पून शक्कर, मैंने यहाँ पे घर की पीसी हुई चीनी ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे साबुत चीनी भी ले सकते हैं। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, अगर आप चाहें तो काजू के बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैं हमेशा इस प्रकार से थोड़े हाफ क्रश किए हुए काजू डालती हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 1/4 कप ग्लेस चेरी, ग्लेस चेरी को मैंने इस प्रकार से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, वो मैं ले लेती हूँ। ये जो चेरी होती है, जो ड्राई चेरी आती है जिसे हम पान में यूज़ करते हैं, मैंने वो ली है। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध डाल देती हूँ। दूध हम बहुत ही संभाल के ऐड करेंगे। अब मैं इसे गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैं इसे धीमी आंच के ऊपर कुक करूँगी क्योंकि हमने मावा डाला है। अगर आपने तेज़ आंच पे इसे कुक किया तो मावा जल जाएगा, इसलिए इसे धीमी आँच के ऊपर ही कुक करेंगे। शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है और मावा भी रेडी हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देती हूँ और इसे गोला बनने तक कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण करीबन 2 मिनट में तैयार हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ। अगर हमने इसे ज़्यादा ड्राई किया तो पेड़े बहुत कड़क हो जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा इस प्रकार से ये स्टेज के ऊपर इसे कुक करना बंद कर देती हूँ। अगर आपको ड्राई पेड़े पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर और देर कुक कीजिएगा, पर पेड़े हमेशा सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, तो ये स्टेज के ऊपर इसे कुक करना बंद कर देंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके ऊपर मैं घी लगा देती हूँ और अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो मैं प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। स्पैचुला की मदद से इसे प्लेट के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, मैंने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा है, तो स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिश्रण काफ़ी लूज हो चुका है तो आप इसके अंदर 1 नहीं तो 2 चम्मच काजू का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसे बैलेंस कर सकते हैं, पर ये अभी परफेक्ट तैयार हुआ है तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से पेड़े बना लेती हूँ। आप चाहें वो साइज़ के छोटे बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से छोटे पेड़े ही तैयार कर रही हूँ। मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और मैंने एक प्लेट के अंदर पेपर कप्स आते हैं वो ले लिए हैं। मैं पेड़े को पेपर कप्स के अंदर रख देती हूँ। ऊपर मैं बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ। ऊपर मैं बारीक कटे हुए चेरी डाल देती हूँ। तो चेरी की वजह से इसका ये जो रंग है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से सिल्वर बॉल से सजा लेंगे। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस चेरी पेड़ा बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।